हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 8, पेज नंबर 109 गिवन ऑन योर बुक. सो टेक फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेमा बॉट 18 पैटीज फॉर द पार्टी. एट द एंड ऑफ द पार्टी 4 पैटीज वर लेफ्ट. वट फ्रैक्शन ऑफ पैटीज वर ईटन? हेमा पार्टी के लिए 18 पैटीज लेकर आई. उसमें से पार्टी जब खत्म हुई तो 4 पैटीज जो है वो बची. तो हमने बताना है वट फ्रैक्शन ऑफ पैटीज वर ईटन, कि इस पार्टी में पैटीज खाई गई वो किस फ्रैक्शन में थी. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वी विल राइट टोटल पैटीज 18, पैटीज लेफ्ट 4. कितने बची थी? 4 पैटीज इटन. अगर 4 बची थी तो खाई कितनी? 18 माइनस 4 दैट इज 14 पैटीज जो है वो पार्टी में खाई गई. तो फ्रैक्शन ऑफ पैटीज इटन, फ्रैक्शन ऑफ पैटीज कैसे निकालेंगे? जितनी पैटीज खाई गई डिवाइडेड बाय टोटल पैटीज. 14 पैटीज जो है वो ईट की गई पार्टी में और जो टोटल पैटीज थी वो 18. मीन्स 14 अपॉन 18, 14 डिवाइड बाय 2 एंड 18 आल्सो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7. सो आई होप इट इज क्लियर. टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 8 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा. 8 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा है. रोहन एट 2 स्लाइस ऑफ पिज्जा. रश्मि एट 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रश्मि ईट? व्हाट फ्रैक्शंस रिमेन? तो हमने हमें क्वेश्चन दिया है कि जो पिज्जा है उसके 8 स्लाइसेस हैं, उसमें से 2 स्लाइस जो है वो रोहन ने खाए हैं और रश्मि ने 3 स्लाइस खाए हैं पिज्जा के. और हमें बताना है कि रश्मि ने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड रश्मि ईट? रश्मि ने कितना खाया और कितना फ्रैक्शन में जो है वो बचा. फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है. बाय राइटिंग टोटल स्लाइसेस ऑफ पिज्जा 8, रोहन 8 2 स्लाइसेस, रश्मि 8 3 स्लाइसेस एंड टोटल स्लाइसेस 8 खाई कितनी? टोटल 2 प्लस 3 दैट इज 5. तो स्लाइसेस ऑफ पिज्जा लेफ्ट बचा कितना? 8 में से 5 दोनों ने खा लिया तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 स्लाइस बचे हमारे, 3 स्लाइसेस. तो फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा 8 बाय रश्मि, रश्मि ने कितना पिज्जा 8 किया है, खाया है कितना, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जितना रश्मि ने खाया है डिवाइड बाय टोटल 3 अपॉन 8. कि नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा लेफ्ट, लेफ्ट कितना है? जितना पिज्जा लेफ्ट बचा था डिवाइड बाय टोटल पिज्जा. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स दीज टू क्वेश्चंस आर क्लियर फॉर यू. डू प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक. थैंक यू.